तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई अगर आप इस वीडियो को देख लो तो आपको क्राउन ज्वेल से पहले और भी कोई वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे मैचेस के बारे में बात करने वाला हूँ, करंट बैटिंग ऑर्डर किसके फेवरेट में, और उसके बाद स्पेशली रोमन रेंज और लोगन पॉल के मैच का एंडिंग क्या होने वाला उसके बारे में पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। और हाँ, आज का स्मैकडाउन का शो ऑलरेडी टेप्ड हो चुका था, पर हाँ ओवरव्यू मैं दे दूंगा आज के स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ। तो बस भाई आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई आज रात के 10:30 से होने वाला धमाका पूरा लाइव चलने वाला है क्राउन ज्वेल पेपर भी। और भाई जैसे ही मैच खत्म होगा 10 से 15 मिनट के बाद गारंटी है कि मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं पूरा पेपर व्यू का नहीं बात कर रहा, जैसे ही मैच खत्म होगा मैच के बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं सबसे बोल रहा हूँ, जो लोग नए हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर क्राउन ज्वेल से रिलेटेड आपको अगर मेरे से पर्सनली कोई सवाल पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप जाकर यहाँ मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, मैं सबसे इंस्टाग्राम पर बात करता हूँ, जाकर फॉलो भी कर लेना। अब हम चलते हैं आज के फाइनल वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो लोग स्मैकडाउन का शो नहीं देखे थे उसके लिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन के शो के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि शो का स्टार्टिंग हमें देखने को मिलेगा लिव मॉर्गन और सोनिया डेवल के मैच के साथ। और हाँ, ये एक डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, पर इस मैच के अंदर बहुत आसानी से जीत जाते लिव मॉर्गन। उसके बाद शो के ऊपर उसोस का मैच न्यूडो के साथ, इस मैच के अंदर भी उसोस जीत जाती है। उसके बाद हमें शो के ऊपर नटालिया और नाया जैक्स का मैच देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले हफ्ता नाया जैक्स अटैक करती थी नटालिया के ऊपर। हाँ, इस मैच के अंदर बहुत आसानी से जीत जाती है नाया जैक्स नटालिया को हरा। उसके बाद हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है 1v5 मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन का, जिस मैच के अंदर आते के साथ पांचों बंदों को तोड़ देते हैं, ब्राउन स्ट्रोमैन का बीन हो जाता है इस मैच के अंदर। और हाँ, एमवीपी नहीं जाने वाले थे सऊदी के अंदर, मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दिया था, तो उसका स्टोरी लाइन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा दी, क्योंकि आई थिंक 3 पावर स्लैम पड़ा है ब्राउन स्ट्रोमैन की तरफ से एमवीपी को, और इसीलिए स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग क्राउन ज्वेल के अंदर नहीं थे, पर रियल रीजन किसी को नहीं पता। उसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है गुंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच का। और हाँ, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इस मैच के अंदर गुंथर का बीन हो गया ये बात सबको पता, पर हाँ मैच बहुत ज्यादा कमाल का था। अगर आप ये मैच नहीं देखे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप जाकर इस मैच को देखें एक बार। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो भाई उसके अंदर कुछ ज्यादा ब्रॉल नहीं देखने को मिला, बस सारे रेसलर का वहां पर इंटरव्यू हुआ था। और हाँ, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया, एमवीपी नहीं होने वाला क्राउन ज्वेल के अंदर, तो एमवीपी नहीं थे यहाँ पर। उसके बाद हमें रोमन रेंज का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां सारे ऑडियंस यही चिल्ला रहे थे उसी 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 उसी, और सब लोग यही चैंट कर रहे थे कि कहां है सैमी जेन, मुझे सैमी जेन से मिलना है, सैमी जेन सैमी जेन का चैंट लग रहा था वहां पर। तो रोमन रेंज ने उन लोगों को सीधा मुंह तोड़ यही जवाब दिया कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो सैमी जेन, और आपको पता है कि सैमी जेन नहीं आने वाला क्राउन ज्वेल के अंदर। उसके बाद हमें लोगन पॉल देखने को मिलता है, जो कि ऊंट से आते हैं, और हाँ इनको भी बहुत अच्छा पॉप देखने को मिलता है। रोमन रेंज यहाँ पर एक लाइन भी बोलते हैं लोगन पॉल को, रोमन रेंज बोलते हैं लोगन पॉल को, तुम सिर्फ 2 मैच रेसल किए हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जब से तुम ब्लॉगिंग करते थे यूट्यूब के ऊपर उस समय से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आकर सऊदी के अंदर आकर मैं पेपर व्यू लड़ता। वैसे इन दोनों के बीच में कोई फ्यूड नहीं देखने को मिला, पर प्रोमो बार हुआ था पैसा कह सकते हो। और हाँ, जो लोग देखना चाहते हो सऊदी का कैसा स्टेज होने वाला है, तो ये फाइनल स्टेज है सऊदी का निकल कर जो सामने आया स्टेफनी मैकमैन की तरफ से। वैसे अगर देखा जाए तो स्टेज काफी अच्छा है, आपका ख्याल इस स्टेज के बारे में कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताइए। हमारा नेक्स्ट अपडेट आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, जो कि होने वाला नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो के ऊपर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचानक से ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके ये बताया कि हम नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो के ऊपर हम वर्ल्ड कप रखने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और इसका टूर्नामेंट का हमें स्टार्टिंग देखने को मिलेगा अगला स्मैकडाउन के शो के ऊपर। अब देखो, फिलहाल मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा कौन विनर होगा इसका। अब हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के सारे मैचेस का बैटिंग ऑर्डर के बारे में। भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्राउन ज्वेल शो का स्टार्टिंग हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के मैच के साथ, जो कि अगर देखा जाए तो ये स्टील केज आई थिंक मैच होने वाला, और स्टार्टिंग के तौर पर बहुत अच्छा ये मैच होगा। और हाँ, क्राउन ज्वेल का शो रात में 9 बजे से स्टार्ट होने वाला, 10 बजे से नहीं स्टार्ट होने वाला, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में 10 बजे बोल दिया था। पर हाँ, एज यूजुअल सबको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो का सारा हिंदी रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर 10 से 15 मिनट के बाद आपको देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं इस मैच के अंदर विनर कौन होने वाला, तो भाई सिंपल ड्रू मैकइंटायर इस मैच का विनर होने वाला है। हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला उसोस वर्सेस सेमस के टीम के साथ। मुझे सच में ये दोनों टैग टीम पार्टनर का मुझे नाम भी नहीं याद है, वैसे आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पर हाँ, इस मैच का अगर रिजल्ट का बात करें तो क्लियर इस मैच के अंदर जीतने वाले उसोस, भाई कोई चांस ही नहीं बनता इस मैच के अंदर उसोस का हारने का, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा बड़ा प्लान कर रही है उसोस के लिए फ्यूचर के अंदर। हमारा शो के ऊपर नेक्स्ट मैच होने वाला ओसी वर्सेस जजमेंट डे के बीच में। और हाँ, इस मैच के अंदर जजमेंट डे की टीम हारने वाले, इस मैच के अंदर ओसी की टीम जीतने वाली। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई लुक गैलोस और कार्ल एंडरसन का भी डेब्यू करवाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तभी उनको हरा नहीं सकते। और ऐसे भी यार एक मैच हारना अफोर्ड तो कर ही सकते हैं जजमेंट डे, क्योंकि लगातार बहुत सारे मैच है जो जीते हैं। हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। और भाई सच में इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला एक बच्चा भी बता सकता है इस मैच का रिजल्ट। तो भाई इस मैच के अंदर क्लियर फेवरेट ब्रॉक लेसनर, मतलब ब्रॉक लेसनर इस मैच के अंदर हरा देंगे बॉबी लेस्ली को, क्योंकि भाई ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर 3-3 मैच हार चुके हैं रोमन रेंज के साथ, अब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो हारना यार, वो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है भाई। अगर सच में अगर ये मैच हार गए ना ब्रॉक लेसनर, सच में वो रिटायर हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अब हम चलते हैं आज के सबसे मिस्टीरियस मैच के बारे में, जो कि होने वाला है सेथ रॉलिंस का मैच। और हाँ, मैं रीडल का बस ऐसे ही फोटो लगा दूं, एक्चुअल में कौन इनका अपोनेंट होने वाला ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एज ए सेथ रॉलिंस अपोनेंट किसी का डेब्यू भी करवा सकती है इस पॉइंट के ऊपर। पर हाँ भाई, चाहे किसी का भी डेब्यू, चाहे कोई भी रेसलर आ जाए, इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस ही जीतने वाले। वैसे आपको क्या लगता है किस रेसलर का डेब्यू
होने वाला, कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो आप बता सकते हैं सबके सब। अब हम बात कर लेते हैं बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के मैच के बारे में। तो भाई इस मैच के अंदर कौन एक्चुअल में विनर होने वाला, इसका रिजल्ट बताने में आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल है। पर हाँ, इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं बेली। बेली सक्सेसफुली चैंपियनशिप बेल्ट जीत जाएगी इस मैच के अंदर, क्योंकि बियांका ब्लेयर काफी टाइम से चैंपियन है, तो बियांका ब्लेयर को अब चैंपियनशिप बेल्ट अपना गवा देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं के पार्टनर का, जो टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैच होने वाला है, इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। भाई इस मैच के अंदर एलेक्सा ब्लेस और आस्का सक्सेसफुली अपना चैंपियनशिप बेल्ट रिटेन करने वाले। तो भाई सारे मैचेस का मैंने आपको बैटिंग ऑर्डर बता दिया। अब हम चलते हैं आज के फाइनल मैच का बैटिंग ऑर्डर के बारे में, जो मेन इवेंट करने वाला है क्रॉन ज्वेल का। तो भाई सबसे पहले बात, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लकी पंच का इतना ज्यादा बार बात किया कि सच में लकी पंच एक बार जरूर देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर। आप मानो या ना मानो, इस मैच के अंदर लकी पंच किसी न किसी को लगने वाला है। शायद वो उसोस को लग जाए या फिर रोमन रेंस को लग जाए, पर लगने वाला है। दूसरी चीज, इस मैच के अंदर लोगन पॉल अकेले नहीं आने वाले, अपने भाई जैक पॉल के साथ आने वाले, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस मैच। अगर सही में कोई एक लाइन में मुझे पूछे तो इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला, अभी किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। एक और बहुत बड़ा एंगल हो सकता है इस मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी का। शायद इस मैच के अंदर ऑस्टिन थ्योरी भी मनी इन द बैंक अपना कैश इन कर सकता है। अब देखो इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, मुझे पता है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो चीज नहीं एक्सपेक्ट करती है, ऑडियंस वही चीज को करती है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब देखो ये चीज कंफर्म होने वाला, ये बात को मैं नहीं बता रहा हूं, पर हां ये चीज हो सकता है, मनी इन द बैंक कैश इन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे शॉकिंग चीज जो इस मैच के अंदर हो सकता है, और वो शॉकिंग चीज तब होगा जब लोगन पॉल बनकर निकलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियन क्रॉन ज्वेल से बाहर। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे हिस्ट्री के इकलौते ऐसे रेसलर बन जाएंगे जिन्होंने बस दो मैच रेसल करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट कैप्चर किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और हां इसका भी चांसेस है, स्टील है इसका चांसेस, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये कैसे होगा आइए हम जानते हैं। तो भाई इस मैच के अंदर अगर सिंपल अगर इंटरफेरेंस अगर देखने को मिल जाए अंकल हॉडी का या फिर ब्रे वाइट, तो शायद इस मैच के अंदर रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप बेल्ट गवा भी सकते हैं, इसका चांसेस बहुत ज्यादा हाई होने वाला। क्योंकि भाई देखो ब्रे वाइट का सेगमेंट अनाउंस होने वाला है, ये बात हम सबको पता है, ब्रे वाइट अटैक ही करने वाला है किसी न किसी रेसलर को अगर उनको एडवर्टाइज किया गया है। तो क्रॉन ज्वेल के अंदर या फिर ब्रे वाइट के साथ बहुत ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर ब्रे वाइट किसी रेसलर के ऊपर अटैक करने वाला है। अगर वो अटैक रोमन रेंज के ऊपर करने वाला है तो रोमन रेंज का चैंपियनशिप बेल्ट बहुत ज्यादा खतरे में, ये बात आप मान लो। पर भाई मैं स्टिल आपको बता रहा हूं इसका चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब तक उसोस के पास चैंपियनशिप बेल्ट है रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप बेल्ट नहीं हार सकता। वैसे आपको क्या लगता है रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल का मैच का एंडिंग क्या होने वाला है, एग्जैक्टली इस मैच के एंडिंग में क्या होने वाला है, सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई आप सबको पता है कि आज का क्रॉन ज्वेल का जो मैच होने वाला है आज रात के 9 बजे से होने वाला है। तो भाई जैसे ही मैच खत्म होगा 10 से 15 मिनट बाद प्रॉपर आपको वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यह बात कंफर्म। तो भाई जो लोग नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं आगे भी अपने चैनल के ऊपर। और अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक और मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूं क्रॉन ज्वेल के रिगार्डिंग, शायद बॉबी लेस्ली का यहां पर हील टर्न हो सकता है क्रॉन ज्वेल के अंदर। क्योंकि ब्रॉक लेसनर इस बार भले ही हील कैरेक्टर के अंदर है, पर ऑडियंस बहुत ज्यादा चीयर कर रही है ब्रॉक लेसनर को बॉबी लेस्ली से ज्यादा। तो शायद बॉबी लेस्ली को इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई एक हील कैरेक्टर दे सकती है और ब्रॉक लेसनर को साथ ही साथ फेस कैरेक्टर दे सकती है। वैसे इस मैच के अंदर एनी हो ब्रॉक ही जीतने वाले, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो भाई कोई अगर स्पेशल वीडियो आता आज से शाम को लेकर तो मैं स्पेशल वीडियो एक और मैं बना दूंगा अपने चैनल के ऊपर, अगर स्पेशल अपडेट आता है। अगर कोई अपडेट नहीं आता तो आपको रात में प्रॉपर आपको वीडियो देखने को मिलेगा जैसे ही मैच खत्म होगा उसके बाद। तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ सबके सब सब्सक्राइब कर लो वीडियो। मिलते हैं आप सबसे रात में, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैच कौन सा रेसलर जीतने वाला सब लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें।